हेलो बडीज, व्हाट्सअप, आई एम ऋषि। तो कोई कुछ खास वजह से मैं आज ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, जस्ट यूँ ही मूड हुआ है, इसलिए मुँह उठा के चली आई वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो काज बहुत बड़ा नहीं है, आज कुछ डिफरेंट काम करने वाली हूँ, एक्चुअली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक कुर्ते में काम करनी है मुझे, तो कुर्ता मेरा एक दोस्त के भाई का है और मुझे अर्जेंट देनी है आज के आज ही। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और ये कुर्ता आज 9 बजे से पहले उसके हाथ देना है। तो आर्ट वर्क बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी है, छोटी मोटी काम करनी है। तो आप लोग अगर देखने चाहो, देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने कुर्ते को टेबल पे रख लिया, उसके बाद एक बोट को उसके अंदर घुसा के स्ट्रेच कर लिया। उसके बाद मैंने पीटी लाइट और कैमलिन का कलर ले लिया। उसके बाद स्प्रेडिंग के लिए मैंने पहले पानी को स्प्रे कर लिया, उसके बाद मैं ब्लू स्काई ब्लू कलर ऐड करूँगी। कलर लेने से पहले मैं चेस्ट एरिया को थोड़ा सा हाथ से डैब डैब कर लूँगी। उसके बाद ब्रश के मदद से स्काई ब्लू, प्रूशियन ब्लू और थोड़ा सा येलो का टेक्सचर वहाँ पे ऐड कर रही हूँ। कॉर्नर्स पे कोई हार्श लाइन ना पड़े, इसलिए स्प्रे और ब्रश आपको दोनों को ही एक साथ फास्ट फास्ट ब्लेंडिंग करते हुए जाना है और स्प्रे का इस्तेमाल करना है आपको नीडली, जैसे कि कलर कोई दूसरी ओर फैल ना जाए। तो ऊपर का वर्क कंप्लीट करते ही मैं नीचे एक बंदे का स्केच को ट्रेस करके उसके बाद कलर और शेडिंग्स ऐड। विंडो बैल्कनी बुक को कंप्लीट करते ही थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं लीफ और ट्री का ब्रांचेस ऐड करके ऊपर आई हूँ। आके शिवली फूल को ड्रॉ कर लिया है अच्छे से। करने के बाद वहाँ भी मैंने लीफ को ऐड किया है प्रूशियन ग्रीन एंड येलो के मदद से। हाईलाइट कर रही हूँ मैं लास्ट में वाइट एंड येलो से। तो फाइनली छोटे मोटे कुछ और काम करने के बाद मेरी ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई। तो आप रिव्यू में ज़रूर बताना कैसे लग रही है ये, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कुछ और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल को।